जी हाँ दोस्तों, सस्ता परफ्यूम 500 रुपए से भी अंदर का परफ्यूम और पूरे दिन भर खुशबू जरूर आपको मिलेगी इस वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में सजेस्ट करने वाला हूँ एक ऐसा परफ्यूम जो 200-300 रुपए के लगभग आता है और पूरे दिन बहुत बढ़िया से खुशबू आएगी, समर के लिए काफी बढ़िया रहेगा। आज अगर आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट परफ्यूम फॉर मैन अंडर 500 रुपीज, तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। 5 परफ्यूम्स मैं आपको इस वीडियो में सजेस्ट करूंगा जो समर के हिसाब से काफी बढ़िया होंगे और बहुत अच्छी खुशबू आपको मिलने वाली है, तो जरूर ये पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कंचन पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रेग्रेंस टॉक। इस चैनल पे हम फ्रेग्रेंस रिलेटेड बातें करते हैं, तो अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा देना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और इस वीडियो पे मैंने गिव अवे रखा है, 3 विनर्स हम सिलेक्ट करेंगे और मेरे पसंद के मैं 3 फ्रेग्रेंस उनको भेजने वाला हूँ, तो आपके चांसेस बनते हैं। और उसमें शामिल होने के लिए आपको बस वीडियो में कमेंट करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा और ये पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। बात करते हैं 500 रुपए के अंदर में अगर कोई अच्छा परफ्यूम मिल सकता है या नहीं, तो मैं कहूंगा कि जरूर मिल सकता है। कई सारे लोग ऐसी थिंक बना के रखते हैं कि महंगे परफ्यूम लगाएंगे तभी ठीक रहेगा, तभी बहुत अच्छी स्मेल आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सस्ते परफ्यूम्स भी हैं, बजट परफ्यूम्स भी हैं, जिसको लगा के आप बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अमेज़ॉन ने, अमेज़ॉन को मैंने पार्टनर किया है। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, अमेज़ॉन पे वीकेंड्स पे काफ़ी अच्छे ऑफर्स आपको देखने को मिलते हैं, मेरी स्क्रीन में शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेगा फैशन वीकेंड सेल चल रहा है अमेज़ॉन पे और अप टू 70% ऑफ देखने को आपको मिलता है। तो फैशन एंड ब्यूटी कैटेगरी में आप कुछ भी परचेस करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा और 300 रुपीज़ कैशबैक हो सकता है आपको अगर आप 3000 की शॉपिंग करते हैं, और 20% कैशबैक मिल सकता है आपको अगर आप फर्स्ट टाइम ऑर्डर करते हैं। तो ज़रूर चेकआउट कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी लिस्ट, और 5th नंबर पे मैंने लिया है वाइल्ड स्टोन का एज, जो बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी रखता है। इसका जो 50 ml है 250 रुपये के अराउंड आपको मिल जाता है। सारे ही प्रोडक्ट्स की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफ़ी बढ़िया आपको डील देखने को मिल जाती है और ये अच्छी क्वालिटी में आपको और कम दाम में मिल जाता है, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। बहुत बढ़िया सी इसमें रिफ्रेशिंग टोन आपको मिलती है और फ्रूटी टोन की तरह ये स्मेल करता है, ग्रीन एप्पल का बहुत अच्छा सा नोट है, मस्की फ्रेग्रेंस ये लगता है। और इन्विक्टस का जो पाको रबान आता है, बहुत बड़ा महंगा फ्रेग्रेंस आता है, उसकी याद दिलाता है। कहीं ना कहीं हल्का हल्का ये रसासी की हवस की भी याद दिलाता है, मस्की फ्रेग्रेंस है और थोड़ा सा वुडी फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा ग्रीन टाइप भी ले जाता है, थोड़ा सा कूलिंग वाइब भी ये देता है। तो मैंने काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस ट्राई किए हैं, महंगे महंगे फ्रेग्रेंसेस ट्राई किए हैं और उनकी याद दिलाता है। तो 250 रुपये के बजट में मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट रहता है तो इसे भी आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, वाइल्ड स्टोन एज। और एज अगर आपने ट्राई किया है तो मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा कि आप हाइड्रा एनर्जी भी ट्राई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कूलिंग साइड है, फ्रूटी टोन इसमें कम है, कूलिंग वुडी टाइप का फ्रेश फ्रेग्रेंस है। तो अगर आपको इस तरह के चाहिए, बार्बर शॉप टाइप के फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल कूल तरह की वाइब आएगी, मिंटी टाइप की वाइब आएगी और थोड़ा सा एक्वाटिक टाइप की वाइब आएगी, तो आप इस पे जा सकते हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, वाइल्ड स्टोन एज। देखते हैं इसकी प्राइस ये किस रेंज में मिल रहा है और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रेग्रेंस है ये आपको आराम से 267 रुपीज़ का मिल रहा है। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी आपको 33% इसमें ऑफ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मुद्दे की बात करते हैं कि कितनी देर ये टिकता है, कितना परफॉर्मेंस देता है। तो आराम से 4 से 4.5 घंटे इसका परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है, शुरुआत के 2 घंटे के लगभग। थोड़ा अच्छा लाउड होता है, हर किसी को महसूस होता है, उसके बाद आपके अराउंड बना होता है 4 घंटे या 4.5 घंटे। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्प्रे करते हैं, 10 स्प्रे से ज़्यादा स्प्रे करते हैं, तो हो सकता है कि 5 घंटे 5.5 घंटे आपके साथ टिक पाए। तो इस तरह की क्वालिटी में इतना परफॉर्मेंस मैं कहूँगा बहुत बढ़िया बात है, आप जरूर इसे ट्राई कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो बेस्ट बजट परफ्यूम की लिस्ट में मैंने नंबर 4 पे लिया है इस कॉम्बो पैक में से एक पैक, या तो आप ये कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसका जिक्र पहले वीडियोज़ में कर चुका हूँ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इसी विलन हाइड्रा का 20 ml पैक आता है, और वो 20 ml पैक आप खरीद सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 20 ml काफ़ी लंबे समय तक चलता है। मैं आपको बस फ्रेग्रेंस बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ 20 ml पैक आखिर आपको मिलेगा कितने में। तो ये फ्रेग्रेंस भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, समर के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सेंट है। जैसे ही आप इसे लगाते हैं, बहुत बढ़िया सी फ्रेश टोन आपको मिलती है, ग्रेप फ्रूट का इसमें नोट मिलता है और थोड़ा सा लेमनी वाइब इसमें मिलती है, और जो संतरे टाइप की फ्रेग्रेंस है वो इसके अंदर मिलती है हल्की सी शुरुआत में।
और जैसे ये बेस में जाने मिडिल में जाने लगता है तो आपको थोड़ा सा वाइट फ्लावर की खुशबू इसमें से आएगी। नटमक का यानी कि जायफल का नोट इसमें यूज़ हुआ है, और जब और थोड़ा सा बेस में जाता है तो एम्बर का, सैंडलवुड का वुडी इफेक्ट इसमें मिलने लगता है। तो बढ़िया है, बड़ा ही क्लीन फ्रेश टाइप का वुडी टाइप का ये फ्रेग्रेंस है और बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है इसकी, तो आप इसे ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। इसका एक फ्रेग्रेंस और बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, अभी गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों के सीज़न में आप इसे ज़्यादा नहीं लगा सकते। इवनिंग टाइम में अगर आपको इसे लगाना है तो ये विलन जो होता है ब्लैक वाला, जो बेसिक क्लासिक इसका थीम रखता है, वही आप खरीद सकते हैं। विलन प्लेन बहुत बढ़िया रहता है, थोड़ा सा स्पाइसी टोन में है, थोड़ा सा फ्रेश टोन में है, लेकिन भरे समर में गर्मियों में आप इसे नहीं लगा सकते, वही आपको ये एकदम बढ़िया सी कूलिंग वाइब देगा। तो इसे चेक करते हैं कि 20 ml पैक आपको आखिर मिलेगा कितने में। तो यहाँ ये 20 ml पैक कुछ इस तरीके से दिखता है विलन हाइड्रा का, जो 349 rupees का हमको मिलेगा। ये भी 30% ऑफ देखने को आपको मिल रहा है, तो इसे भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मुद्दे की कि ये कितनी देर टिकता है। तो ये भी सेम परफॉर्मेंस रखता है, 4 घंटे के लगभग या 5 घंटे के लगभग ये टिकेगा। शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे सबको महसूस होता है, आसपास जो भी आता है, अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्प्रे करते हैं तो हो सकता है कि 5-6 घंटे ये टिके। तो क्वालिटी के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत ठीक है, कोई भी कंप्लेन आपको करने की जरूरत नहीं है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों बेस्ट परफ्यूम फॉर मैन अंडर 500 rupees की लिस्ट में नंबर 3 पे हमने लिया है द मैन कंपनी का ब्लैक, जिसकी बात मैं पिछले वीडियो में भी कर चुका हूँ। बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस है और मुझे लगता है कि प्राइस रेंज के हिसाब से आपको इसे भी ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए अगर आप बजट में अच्छा फ्रेग्रेंस ढूंढते हैं। तो मैं आपको इसको भी स्प्रे करके दिखाता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये स्मेल करता है। हालांकि मैंने इसे यूज़ किया हुआ है और बड़ा ही रिफ्रेशिंग है, ये भी गर्मियों में काफ़ी अच्छा सा एहसास आपको देगा। तो शुरुआत में आपको लेमनी टोन आएगी, इसके अंदर से बगमों की टोन आएगी, और उसके बाद में जब ये थोड़ा सा और सेटल होता है तो बहुत बढ़िया से इसमें पाउडरीनेस है। इसमें लेवेंडर का बहुत बढ़िया से यूज़ हुआ है, तो अगर आपको फ्रेश पाउडरी टाइप की फ्रेग्रेंस पसंद है, ये फ्रेग्रेंस आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और जब ये और ज़्यादा बेस में जाता है तो आपको एम्बर और थोड़ा वुडी टाइप का लगने लगता है, थोड़े से ग्रीन टाइप के नॉन्स भी इसके अंदर है। तो ये भी थोड़े थोड़े महंगे फ्रेग्रेंसेस की याद दिलाता है, जैसे कि आप डेविड ऑफ कूल वाटर समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा उसकी तरह याद दिलाता है। अरमाफ में भी ट्रेस नुई करके है, कुछ उस तरीके से याद दिलाता है। इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन फ्रेश नॉन्स भी है, तो काफ़ी अच्छा डीएनए है। देखते हैं इसकी प्राइस की कितने का मिलता है आपको। ये 50 ml का बॉटल है और ये आपको यहाँ मिल जाता है 389 rupees का, और आपको 70% ऑफ देखने को मिल रहा है। ये अमेजोन का बेस्ट सेलर दिखा रहे हैं, तो इसे आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लेकिन परफॉर्मेंस कितना मिलेगा ये सबसे मेन बात है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है आराम से आपको 5 से 6 घंटा मिल जाएगा, जो मैंने 2 बताया उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका परफॉर्मेंस मिल जाएगा आपको। और शुरुआत के 1.5 घंटे से 2 घंटे काफ़ी थोड़ा लाउड होता है और हर किसी को महसूस होता है जो भी आपके दायरे में आते हैं। तो ये भी परफॉर्मेंस के हिसाब से विनर है और काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है, इसे चेकआउट कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो बजट फ्रेग्रेंस की लिस्ट में नंबर 2 की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो गिव अवे मैंने रखा है उसमें शामिल हो जाइए। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस बताने वाला हूँ, 2 बताने वाला हूँ आपको, ये आपके लिए बोनस है। और ये दोनों फ्रेग्रेंस बजट के हिसाब से अच्छे हैं और पूरे दिन बहुत बढ़िया सी फ्रेग्रेंस देते हैं। नंबर 2 पे मैंने 4 फ्रेग्रेंस लिए हैं और चारों फ्रेग्रेंस आपको बहुत अच्छे दाम में मिल जाता है। हर किसी का ये चाहत होती है कि वो गॉडफादर का बियर्डो का गॉडफादर ट्राई करे, बियर्डो का ब्लैक मस्क ट्राई करे, ये सबने देखा होगा आपने अगर मेरे वीडियोस आप देखते हैं, विस्की स्मोक ट्राई करे और डार्क साइड ट्राई करे, तो एक बहुत अच्छा सा कॉम्पो पैक आपको देखने को मिलता है। ये सारे ही फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी क्वालिटी रखते हैं और 5-6 घंटे काफ़ी अच्छी लॉन्ग लास्टिंग भी ये रखते हैं। और सेपरेटली इनकी मैंने बात की हुई है वीडियो में, तो आपको दूसरे वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल फ्लेक्सटॉक पे, आप वहाँ जाके इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन जो कॉम्बो पैक है अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और ये सारे फ्रेग्रेंस आपको 162 में देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी आपको 649 rupees का पैक मिल रहा है और काफ़ी अच्छा पैक है, गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और आपको 8 ml के 4 packs मिलते हैं, 4 fragrances मिलते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नंबर 1 पे, और नंबर 1 पे मैंने लिया है बेस्ट बजट परफ्यूम में जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो और पूरे दिन आराम से टिके, हर किसी को महसूस हो। पटेल परफ्यूम्स की तरफ से पटेल निक, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, मैंने इसकी भी पहले बात की हुई है।
ये परफ्यूम अपेरल परफ्यूम है, आपको क्लोथ्स पे लगाना ज़्यादा प्रीफर करूँगा, स्किन पे बिल्कुल मत लगाइएगा। और इसके दो स्प्रेज अगर आप लगा लेंगे तो पूरे दिन आपको फ्रेग्रेंस आती रहेगी बहुत बढ़िया सी। ये मैंने कई बार ट्राई किया है, ये हाफ बॉटल हो गई है, मेरे ब्रदर को काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये। तो आपको बहुत ओरिजिनल नहीं मिलता है, आपको हल्का सा सिंथेटिक मिलता है, लेकिन फिर भी जब हवा में घुलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, बड़ा ही रिफ्रेशिंग है। अगर आपको लेमन टाइप की फ्रेग्रेंस पसंद है, फ्रेश फ्रेग्रेंस पसंद है, थोड़ी सी खट्टी फ्रेग्रेंस पसंद है, तो ये फ्रेश फ्रेग्रेंस ऐसा फ्रेग्रेंस है जो लॉन्ग लास्टिंग है, यही चीज इसे खास बनाती है। तो आपको फ्रेश सिट्रसी लेमनी टाइप की फ्रेग्रेंस मिलती है, मस्क का बहुत भर भर के इसमें यूज़ हुआ है, वुडीनेस का काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है, तो सिट्रसी फ्रेश वुडी टाइप का ये फ्रेग्रेंस है। और कहीं ना कहीं इसमें वाइट फ्लोरल्स यूज़ हुए हैं, जैस्मिन का बहुत अच्छा सा हिंट मिलता है और पूरे फ्रेग्रेंस में परमानेंट है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा मैस्कुलिन साइट है, आपको थोड़ा सा मर्दाना खुशबू देगा। तो ये देखते हैं इसका प्राइस, और फिर मैं आपको एक और बोनस फ्रेग्रेंस बताऊंगा, वो भी पटेल कंपनी की तरफ से ही है। और ये दोस्तों मेरी कंपनी नहीं है पटेल परफ्यूम्स, आप कई बार कमेंट करते हैं कि ये आपकी ही कंपनी है, लेकिन ये मेरी कंपनी नहीं है, ये पता नहीं मुझे किसकी कंपनी है। लेकिन बजट के हिसाब से और अगर क्लोथ्स पे स्प्रे करना हो और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस ही चाहिए तो काफ़ी बढ़िया रहते हैं ये। आपको अगर ज़्यादा स्प्रे कर देंगे तो हेडेक भी दिला सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, तो आपको उस हिसाब से लगाना होगा। ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनको हर बार कंप्लेन होती है कि उनको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिल रहा है, आधे एक घंटे में उनका फ्रेग्रेंस उड़ जाता है या उन्हें खुशबू आनी बंद हो जाती है, उनके लिए ऐसे फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 349 रुपीज़ का अभी कॉस्ट करता है, तो इसे आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक और फ्रेग्रेंस बता देता हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये पटेल परफ्यूम्स का मियाके, और इसे मियाके की याद दिलाता है, थोड़ा सा सिंथेटिक वर्जन है लेकिन परफॉर्मेंस इसे मियाके को चार बार टक्कर दे दे इतनी ज़्यादा है इसकी, और फ्रेग्रेंस लगभग उसकी तरह ही लगता है लेकिन सिंथेटिक वर्जन है जैसा मैं कहना चाहूँगा। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइएगा, ये जो 350 रुपये का फ्रेग्रेंस है उसके हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है। मैं कहूँगा कि ये 800 रुपये के लगभग भी होता इस क्वालिटी में तो आराम से मैं आपको प्रेफर करता। तो अगर आपको एक यूज़ो फ्लावर आता है, एक यूज़ो करके ऑरेंज टाइप की एक प्रजाति है वो आती है, उसकी इसमें एक फ्रेग्रेंस डाली हुई है, इसी में के में भी वो आपको मिलती है, और ये भी खट्टी फ्रेग्रेंस है, फ्रेश फ्रेग्रेंस है, सिट्रसी फ्रेग्रेंस है, तो बहुत बढ़िया सी फ्रेग्रेंस है। थोड़ा सा फ्रूटी टच आपको इसमें देखने को मिलता है, ग्रेप फ्रूट टाइप का या ऑरेंज टाइप का या पके हुए संतरे टाइप का, तो इस पर भी आप जा सकते हैं, बड़ा खूबसूरत फ्रेग्रेंस है, परफॉर्मेंस इसकी भी लाजवाब है, पूरे दिन काफ़ी अच्छा टिकता है। तो दोस्तों यही था इन फ्रेग्रेंसेस के बारे में, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इनकी नंबरिंग आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे नंबर वन बता दिया तो नंबर वन मेरे लिए हो गया, मैंने नंबरिंग मेरे अकॉर्डिंग जमाई है, आप अपने अकॉर्डिंग जमा सकते हैं, सारे ही फ्रेग्रेंस जो मैंने सजेस्ट किए हैं वो बेस्ट हैं, और गिव अवे में शामिल हो जाइएगा, कमेंट के आपके इंतजार करूंगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।